सो लेट अस बिगिन विद द वंडरफुल यूनिट, सबसे छोटा वाला यूनिट भी बोल सकते हैं, ऑफ द चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यूनिट नंबर 5 टॉक्स अबाउट ब्रेच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले सर ये ब्रेच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सबसे पहले लेट मी वंस अगेन रिकॉल यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3। इन तीनों यूनिट में हमने क्या किया जी, हमने कॉन्ट्रैक्ट को बनाया, करेक्ट है क्या, हमने कॉन्ट्रैक्ट को बनाया। यूनिट नंबर 4 में लिखा था हमें उसको निभाया। आपने किसी के साथ कस्मे वादे किए थे, दैट वॉज डन इन यूनिट फर्स्ट 1, 2, 3। देन आपने उस कस्मे वादों को निभाने की कोशिश की, दैट वॉज इन यूनिट नंबर 4। लेकिन अभी आता है जिंदगी का बहुत डेंजरस यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 5। अगर ये कस्मे वादे जो किए थे, अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे, अगर आपने इसको तोड़ने की कोशिश की, इफ यू ब्रेच अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू डू नॉट फॉलो व्हाटएवर वाज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू डू नॉट परफॉर्म योर ड्यूटीज, देन आपके ऊपर लग जाएगा थप्पा, किसका, दैट इज ऑफ यूनिट नंबर 5 विच टॉक्स अबाउट ब्रेच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। अभी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो आपने वादा किया था उस वादे को अगर आपने निभाया नहीं, बट ऑब्वियसली क्या आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसे ही, मतलब वर्ड जबान जो दिया था आपने कॉन्ट्रैक्ट में, लिख के दिया था लीगली, उसका कोई कीमत नहीं है क्या है? क्या यार तू भी, सो बट ऑब्वियसली यहां पे यू हैव टू पे फॉर इट, बट ऑब्वियसली। चलिए जी शुरुआत करते हैं विद द टॉपिक, दैट इज ब्रेच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रेच। सो ब्रेच सिंपल इंग्लिश में, इट इज अ फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हीज और हर ओब्लिगेशन। मैंने आपसे 10,000 रुपए लिया एंड मैंने आपको बोला मैं आपको लॉ सिखाऊंगा, लेकिन मैंने आपको क्या किया, सिखाया ही नहीं। सो वॉट एवर टास्क आई वॉज गिवन विथ एज पर द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आई फेल टू परफॉर्म सच टर्म्स, आई फेल टू परफॉर्म दैट प्रोमिस विच आई गेव अर्लियर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट है क्या? तो यहां पे देखो ब्रेच के कितने प्रकार हो सकते हैं, एक है दिखाने का प्रकार, एक होता है एक्चुअल वाला प्रकार, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रेच, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एंड दूसरा होता है एक्चुअल ब्रेच, जो दुनिया में हर किसी को पता है, इसलिए इंस्टीट्यूट इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछती। सो इंस्टीट्यूट कौन सा क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांस होते, दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रेच। सर एंटीसिपेटरी ब्रेच मतलब क्या, एंटीसिपेट करना, एंटीसिपेट करना मतलब समझ के ले लेना, अपनी बैंड बच चुकी है पहले से ही। तो मान लीजिएगा आपको पढ़ाई करने के लिए बोला गया था, अभी एग्जाम को लेटेस्ट से 5 दिन बचे हैं, एंड उस टाइम पे आप एंटीसिपेट क्या करते हो, मैंने जितने भी कर्म किए थे पिछले 6 महीनों से, उससे मैं ये एंटीसिपेट करता हूं कि अपनी वाट लग चुकी है, नाउ वी आर गोइंग टू स्कोर अ वंडरफुल मार्क्स इन द एग्जाम, बराबर है क्या? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटीसिपेट करना। तो यहां पे क्लियर कट ब्रेच नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे बन जाती है जिसकी वजह से आप अपने आप समझ के ले लेते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी आगे परफॉर्म नहीं होने वाला। चलो देखते हैं एंटीसिपेटरी ब्रेच का डेफिनेशन एज पर सेक्शन नंबर 39। When a party to a contract has refused to perform, when a party to a contract has refused to perform, disable him from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. Sir, क्या बोला, जरा जल्दी से example के मार्फत समझाइएगा। मैंने आपको 1 अप्रैल पे एक contract किया था, give me ₹10,000, I will teach you subject law. Give me ₹10,000, I will teach you the subject of law. मान लीजिएगा आपने एडवांस में सारा पैसा दे दिया, आपने आपका तो काम कर लिया, लेकिन एक तो मतलब ये बैच लेटेस्ट से ये बैच शुरू होने वाली थी 10 अप्रैल से, 10 अप्रैल आप क्लासरूम में आए, मैं आया ही नहीं, 11 अप्रैल भी आप क्लास में आए, मैं आया ही नहीं, पता नहीं मैं कहां पैसे लेके भाग गया। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको फोन करके नहीं बोला कि बैच इज कैंसल, टेक योर रिफंड, ऐसे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैंने कुछ ऐसी हरकतें की जिससे आपने ये एंटीसिपेट कर लिया,
कि भाई अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाद में परफॉर्म नहीं होने वाला. एंड यहाँ पे ये लास्ट वाला जो लाइन है ना, अनलेस ही हैथ सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्विजिशंस इन इट्स कंटिन्यूएंस. तो यहाँ पे किसने बोलना चाहिए? मैंने आपको बोलना चाहिए कि भाई मैं आऊंगा आऊंगा सिखाऊंगा, तो फिर एंटिसिपेटरी ब्रेच नहीं होगा. या फिर आप वेट करते रहे एंड आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, तो ये किसके बिहाफ पे बोलो? मैंने ऐसे मतलब कंटिन्यूस करने वालों ऐसे बोलना चाहिए या फिर स्टूडेंट ने बोलना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? बट ऑब्वियसली द प्रोमिसर. तो यहां पे प्रोमिसर के बिहाफ पे प्रोमिसर बोलेगा डोंट वरी मैं कंटिन्यू करूंगा, रुको जरा, तो फिर वो ब्रेच नहीं होगा. लेकिन मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, मैंने कुछ बोला भी नहीं. एंड मैं यहाँ पे क्लासरूम में भी नहीं आ रहा हूँ. 3-4 दिन से आप आ रहे हो, मैं क्लास में नहीं आया. बाद में मैं बोलता भी नहीं हूँ कि अरे रुको रुको ज़रा, एक इमरजेंसी आ गई थी, मुझे कोविड हो गया था इसलिए मैं प्रेजेंट नहीं था, रुको ज़रा, ऐसे कुछ भी नहीं किया मैंने. सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज वॉट? एंटीसिपेटरी ब्रेच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. चलो यहाँ पे अभी इफेक्ट्स ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रेच. अभी मुझे बताइएगा एक सिंपल चीज, मैंने आपके ऊपर एंटीसिपेटरी ब्रेच कर लिया, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? बहुत गुस्सा आएगा ना, मतलब अभी तो गुस्सा आता ही है हर किसी को. सो देखते हैं एंटीसिपेटरी ब्रेच का इफेक्ट क्या होगा. ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड एंड सू अदर पार्टी फॉर डैमेजेस. बाप रे, मेरे ऊपर डैमेजेस चार्ज करोगे? करोगे जी हाँ, बट ऑब्वियसली करना चाहिए. अगर आप में किसी भी व्यक्ति ने अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस तोड़ा है, कसमे वादे तोड़े है, देन क्या करना चाहिए? ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया ऐसे ट्रीट कीजिए एंड ठोक दीजिएगा केस सामने वाली पार्टी के ऊपर एंड क्लेम योर डैमेजेस. अगर आपका नुकसान हुआ है तो ये आपके ऊपर हक है. दिस इज योर राइट टू क्लेम द डैमेजेस. एंड ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में बात करता है कि अगर किसी पार्टी के ऊपर इनजस्टिस हुआ है तो उसको एग्जैक्टली जस्टिस कैसे मिलेगा, इसीलिए तो हम ये पूरा चैप्टर पढ़ते. चलो, वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस बाय कीपिंग कॉन्ट्रैक्ट अलाइव. तो आपके पास दो ऑप्शंस है. तो यहां पे देखिएगा, मान लीजिएगा ए एंड बी के बीच में, अभी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं विद द हेल्प ऑफ टाइम डायग्राम, ध्यान से सुनिएगा, पूरा एग्जांपल में सारी चीजें खत्म हो जाएगी. मान लीजिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए एंड बी के बीच में, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने वाला है इन बिटवीन दिस पीरियड, लेट अस से 1 मई से लेके 30 जून के पीरियड में, ठीक है ना. सो ऐसे मान लीजिएगा कि ये दिस इज द पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कब कर लिया? 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया. अभी होता क्या है, एंटीसिपेटरी ब्रेच कब समझ में आता है? इस पीरियड में एंटीसिपेटरी ब्रेच समझ में आ जाता है कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति अभी क्या करेगा, शायद कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगा, ये हम एंटीसिपेट कर लेते. तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ये मैंने कंटेंट के लेक्चर्स में भी आपको बहुत अच्छे से सिखाया है. आइदर टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको हिंट्स मिल गई है, इमीडिएटली कैंसिल करो एंड क्लेम द डैमेजेस, या फिर और वेट, रुको जरा सबर करो, धक्का बुक्की नहीं करने की. कब तक वेट करना है? 1 मई, ये जो परफॉर्मेंस का दिन है ना, उस दिन तक वेट कीजिए एंड देखिएगा सामने वाली पार्टी गलती से परफॉर्म ना कर जाए. ये दीज टू ऑप्शंस आर ऑलवेज विथ यू, सो इट इज अपॉन दैट अदर पार्टी, ही कैन सिलेक्ट द ऑप्शन. चलो, अभी ये था एंटीसिपेटरी ब्रेच. सर दूसरा कौन सा प्रकार था? दैट वॉज एक्चुअल ब्रेच, मतलब मैंने मेरी हरकतों से नहीं बताया, मैंने डायरेक्टली बोल दिया, जा नहीं करता, जो करना है वो कर. एक्चुअल ब्रेच, केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रोमिस ऑन अ स्केड्यूल्ड डेट. केस और रिफ्यूजल टू परफॉर्म अ प्रोमिस ऑन अ स्केड्यूल्ड डेट. एक्चुअल ब्रेच में भी कमिटेड एट द टाइम वेन परफॉर्मेंस इज ड्यू, उस दिन पे कमिट हो जाता है, या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, यूजुअली ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये गुड्स के केस में आप देख सकते हो, जिस दिन गुड्स का एक्सचेंज होने वाला था उस दिन वो सामने वाला व्यक्ति आया नहीं. एंड ये जो दूसरा वाला सिचुएशन है ना, ये यूजुअली आप सर्विसेज के केस में देख सकते हो, या फिर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में देख सकते हो. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब मान लीजिएगा मैं आपको 30 दिन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, लेट से मेरे पास सीमेंट का, आई एम द डीलर एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू 30 डेज, 1-1 टन एवरीडे सीमेंट भेजूंगा, एंड सडनली आई स्टॉप्ड ऑन 10th डे,
तो यहां पे क्या है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूंस ऑफ कोर्स। दूसरा एग्जांपल, मैं आपको 3 महीने की बैच सिखा रहा था, 1 महीना होने के बाद मैं बोला अभी नहीं सिखाऊंगा, अभी मूड नहीं है अभी मेरा मूड नहीं है, मन उठ गया मेरा, लॉ सब्जेक्ट से मेरा हाँ संन्यास ले लिया मैंने। तो यहां पे ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, तो यहां पे ये पॉपुलर, ये चीज पॉपुलरली आप कौन से एग्जांपल्स में देखते हो, गुड्स के एग्जांपल में, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू। चलो आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो अभी तक हमने देखा कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट को बनाया कैसे, कॉन्ट्रैक्ट को निभाते कैसे, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा कैसे जाता है, करेक्ट है। नाउ वी हैव टू चेक इट आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो सामने वाली पार्टी के पास में ऑप्शन क्या बचता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन क्या बचता है, तो बर्ड ऑब्वियसली ही इज एबल टू क्लेम द डैमेजेस। सर डैमेजेस कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार है, उसकी पूरी लिस्ट देखनी है हमें। चलो जी वन बाय वन खत्म करते जाते। सबसे पहला है सूट फॉर डैमेजेस, ये दिया है गिवन बाय सेक्शन नंबर 73। पार्टी हु सफर्स, सर इज इट नेसेसरी दैट ओनली प्रोमिसर ब्रेचेस द कॉन्ट्रैक्ट, इज इट नेसेसरी टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, इज इट नेसेसरी कि मैं ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूंगा, आप तो आप क्या भगवान क्या अवतार हो, प्रभु श्री राम क्या अवतार हो आप, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोमिसी भी तोड़े, प्रोमिसर भी तोड़ सकता है, प्रोमिसी भी तोड़ सकता है। सो आइदर ऑफ द पार्टी हु कमिट्स अ ब्रेच, तो वो जो सामने वाली पार्टी है ना जिसके ऊपर ये ब्रेच किया गया है, मतलब कौन सी पार्टी, वीक पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी, दे आर एंटाइटल टू रिसीव कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में नुकसान भरपाई, क्या बोलते हैं उसको, नुकसान भरपाई, जितना नुकसान हुआ वो भर के दे दो, बात खत्म। मैंने गलती से जाके अगर किसी बाइक को ठोक दिया या फिर किसी की कार को ठोक दिया तो होता क्या है, झगड़ा होता है, दैट इज डिफरेंट इशू, गाली गलौज होता है, दैट इज डिफरेंट इशू, बट अल्टीमेटली सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन क्या होता है, टू क्लेम डैमेज, भाई पैसा दे एंड तू जा तेरे घर जा, पैसा दे, जितना भी रिपेयर वगैरह करना रहेगा वो पूरा ठीक से कर दे, ओरिजिनल पोजिशन में ला के दे एंड तू जा, बराबर। सो यहां पे मेन इंटेंशन क्या होता है, टू रिसीव कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज फॉर द पार्टी। सर कौन कौन से प्रकार के डैमेजेस हो सकते हैं, सो देखिएगा यहां पे बहुत सारे प्रकार है, एक बार सिर्फ ओवरव्यू देता हूं उसके बाद में डिटेल में जाते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे ऑर्डिनरी डैमेजेस, उसके बाद अभी एक वर्ड आता है जब जिंदगी में ऑर्डिनरी, तो एक स्पेशल भी तो आना चाहिए, बराबर ना, एक स्पेशल भी तो व्यक्ति होना चाहिए ना जब बाकी के सारे ऑर्डिनरी होते। चलो एक ऑर्डिनरी, दूसरा स्पेशल, तीसरा है विंडिक्टिव खुन्नस, उसके बाद में नॉमिनल या फिर निगलिजिबल, देन डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले, एंड देन प्रीफिक्स डैमेजेस, उसमें लिक्विडेटेड एज वेल एज पेनल्टी। तो ये है सारे डैमेजेस के प्रकार जो किए जाते हैं क्लेम बाय हुम, बाय द अग्रीव्ड पार्टी, बाय द पार्टी हु हैज सफर्ड लॉस ड्यू टू ब्रेच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। चलो वन बाय वन इसको देखते जाते। ऑर्डिनरी डैमेजेस, कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज which naturally arose in the usual course of things from the other party, जो भी contract में लिखा है उसके हिसाब से जो भी normally damages आते हैं उसको बोलते हैं ordinary damages, इसको define करने की contract में ज़रूरत नहीं होती है। So मान लीजिएगा मैंने आपके साथ कुछ contract किया है, उसमें मैंने breach कर दिया, आपका नुकसान हो गया, तो उसकी वजह से आपका जितना भी नुकसान हुआ है, सर कितना नुकसान हुआ है वो कैसे देखेंगे, it depends on case to case, तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डैमेजेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आता है इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, दैट इज स्पेशल डैमेजेस। व्हेन पार्टी टू रिसीव नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज लायबल फॉर स्पेशल डैमेजेस एज वेल। सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, मैंने अगर आपको सिखाया नहीं एंड आपने मुझे बोला था सर हमारी एग्जाम है अगर आप सिखाओगे नहीं तो, मान लीजिएगा अगर आपने बोला है इसलिए हमने आपके यहां पे फीस भरी, एंड अगर आप सिखाओगे नहीं तो उस टाइम पे वी विल बी इन अ पोजिशन कि वी कैन नॉट ज्वाइन एनी अदर क्लासेस एज वेल, एंड हमारा मतलब सिर्फ ये 5-10 हज़ार फीस का नुकसान नहीं हो रहा है सर, हमारा मतलब इससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सो यहाँ पे सामने वाली पार्टी वॉज काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन यू, तो मतलब सिर्फ वो मॉनिटरी टर्म्स होता है ना उतना डैमेज नहीं होता, उससे कई गुना ज़्यादा होता है, एंड ये वेल एडवांस में, मार्क माई वर्ड्स, स्पेशल डैमेजेस कब क्लेम किए जा सकते हैं, वो पहले स्पेशल नोटिस, यहाँ पे देखिएगा
स्पेशल नोटिस इसका मतलब क्या है, आपको पहले से बताना पड़ेगा सर, अगर नहीं बताया तो यू कैन नॉट क्लेम, तो फिर भूल जाओ। फिर कौन से मिलेंगे, फिर ऑर्डिनरी मिलेंगे, फिर स्पेशल मिलेगा क्या, नहीं। तो स्पेशल कब मिलेगा, जब आपने इन एडवांस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आपने सारी कंडीशन बोल दी थी, तो उस टाइम पे अगर आपने सारा बोल दिया था फिर भी बाद में ब्रेच हो गया तो देन ओनली यू कैन क्लेम द स्पेशल डैमेजेस। चलो अभी नेक्स्ट है विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। अभी विंडिक्टिव का अगर डिक्शनरी वर्ड देखो तो खुन्नस निकालना, मतलब इज्जत, यू नो ईगो, ईगो हर्ट हो गया मेरा तो यहां पे ईगो हर्ट करने का जो भी डैमेजेस होता है ना, कभी कभी जिंदगी में क्या होता है पता है क्या, कभी कभी दो पार्टियां जब कस्मे वादे एक्सचेंज करते हैं ना एक दूसरे के साथ, लेकिन सामने वाली पार्टी जब उस कस्मे वादे को तोड़ते हैं तो सामने वाली जो रोतलू पार्टी है, जो अग्रीड पार्टी है, उसका सच पैसे का नुकसान नहीं होता लेकिन उसका ईगो हर्ट हो जाता है। फीलिंग, यू नो, यहाँ पे एक दिल भी तो होता है, ऊपर दिमाग है लेकिन यहाँ पे दिल भी तो है, तो दिल टूट गया भाई। सर ये दिल कौन से सो ये दिल कौन कौन से केसेस में टूट सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा मॉड्यूल में दिया है दो सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट इज ब्रेच ऑफ अ प्रॉमिस टू मैरी। ओ माय गॉड, मिस्टर पोपटला इज ट्राइंग टू गेट मैरिड फ्रॉम लास्ट कितने इयर्स रे, 10 साल से वो शादी करने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसके मतलब 50-60 रिश्ते आए होंगे, हर बार उसकी शादी जमती है एंड सडनली टूट जाती है, तो ये बेचारा मतलब अभी अभी जाने दो क्या बोलो। सो यहां पे देखिएगा ब्रेच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, शादी तय हो गई, बिकॉज शादी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ऑल्सो लीगल वन। सो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करने का आपने बोला था लेकिन बाद में शादी तोड़ी गई, तो यहां पे आपका सच पैसे का नुकसान नहीं हुआ लेकिन यार दिल को तो चोट लग गई, बराबर है क्या। तो इसको बोलते हैं ब्रेच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। अभी आता है दूसरा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, यहां पे देखो रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंकर ऑफ हिज कस्टमर से चेक। मैंने किसी को चेक दिया, मैंने किसी को चेक दिया, मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा था लेकिन बैंक वालों ने गलती किया, बैंक वालों ने बोला कि सर्वेश महेंद्र के अकाउंट में पैसे जीरो है, दैट्स वे चेक हो गया बाउंस। अभी चेक बाउंस हुआ मतलब वो सामने वाली पार्टी के मन में इमेज क्या हुआ मेरा, अरे यार कैसे किस्म का इंसान है यार ये, 5,000 रुपए का चेक था वो भी बाउंस कर दिया, इतना चिंदी इंसान है, मतलब उसको पता था कि पेमेंट कर रहा है तो बैंक में अकाउंट में पैसे डालने चाहिए ना, तो क्या मतलब इतना घटिया लेवल, कितना गिरा हुआ इंसान है यार। तो ऐसे वो सामने वाला पार्टी तो नहीं बोल रहा था लेकिन मेरे मन में आया, अरे यार ऐसे गाली गलौज देता होगा मुझे, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिल दुख गया मेरा, बराबर। तो यहाँ पे आई विल क्लेम विंडिक्टिव डैमेजेस फ्रॉम होम, बट ऑब्वियसली फ्रॉम द बैंकर, बट ऑब्वियसली रियल लाइफ में ऐसे होता नहीं है, डोंट वरी, रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड मैनर में होती है। पुराने ज़माने में होता था कि ऐसे चेक गलती से बाउंस होते, आजकल ज़माने आज पूरा CTS सेंट्रलाइज ये अपना ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है, तो वहाँ से उस सिस्टम की वजह से ऐसी हरकतें आजकल के ज़माने में होती नहीं है। एनीवेज ये एक्ट वैसे भी बहुत पुराना है ना, पुराने ज़माने में बनाया गया था ना, तो इसीलिए मतलब अभी चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। एनीवेज सो दिस वॉज ऑल अबाउट कौन सा वाला डैमेजेस, विंडिक्टिव। अभी जाते हैं चिल्लर डैमेजेस, यू नो चिल्लर, छोटे मोटे निगलिजिबल, मतलब कभी कभी क्या होता है पता है क्या, क्या, हाँ, तो कभी कभी क्या होता है जिंदगी में, अभी सामने वाली पार्टी ने कुछ ब्रेच किया है, उसको सजा तो देनी नहीं है लेकिन उसको याद में रहना चाहिए। कभी कभी आपके मम्मी पापा आपके साथ ऐसी ही हरकत करते, आपको माफ तो कर देते हैं लेकिन कुछ ऐसी हरकत करते थे कि आपको जिंदगी भर वो याद रह जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज नॉमिनल डैमेजेस। अभी देखिएगा टेक्निकल लैंग्वेज, अवॉर्डेड जस्ट टू इस्टैब्लिश, ध्यान से पढ़िएगा, जस्ट टू इस्टैब्लिश द फर्स्ट डिक्री फॉर द ब्रेच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे निगलिजिबल अमाउंट रहेगा, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो 10 रुपये दे देना, ऐसे रहते निगलिजिबल नॉमिनल चार्जेस होते, लेकिन सामने वाली पार्टी को ये समझ में आना चाहिए कि भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के गलत किया है तो ये अभी चार्जेस भर, समझ में आए। सो ऐसे भी होते, अभी ये आप ड्राफ्टिंग के टाइम पे आप ये नॉमिनल चार्जेस चार्ज कर सकते हो। उसके बाद में फेमस एग्जाम्पल, अपनी पेट पूजा का एग्जाम्पल, पेट का सवाल है। सो पेट का सवाल मतलब क्या, क्या आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए, खाना, यानी कि खाना कैसे होते, पेरिशेबल या नॉन पेरिशेबल, बड़ा ऑब्वियसली पेरिशेबल गुड्स। सो यहाँ पे देखिएगा डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले,
कभी कभी ऐसे गुड्स के अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, हु आर पेरिशेबल इन नेचर, आज नहीं तो कल वो खराब हो जाएंगे, उसको अगर आप एक सही समय में नहीं लाते तो. मे also mean loss of special opportunity for sale, and if deterioration is caused to goods by delay, damages can be recovered even without notice. तो यहां पे होता क्या है, आपने किसी के साथ फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, वेजिटेबल टाइम पे आया नहीं, आपका हो गया नुकसान, यू कैन क्लेम डिटोरिएशन डैमेजेस. या फिर दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे पार्टी के एंगल से सोचो, आपने मुझे ऑर्डर दिया था वेजिटेबल का, मैं लेके तो आ गया, लेकिन अभी यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दोज गुड्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इफ यू आर नॉट रेडी, आई एम नॉट एबल टू इवन सेल दोज गुड्स इन द अनदर मार्केट. तो यहाँ पे वो खड़े, मतलब जो ट्रक में पूरा माल भरा था वो पूरा खराब हो गया, डिटोरिएट हो गया. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आइदर एक्चुअल में वो खराब हो रहे या फिर उसकी अपॉर्चुनिटी लॉस भी. यू नो वॉट इज अपॉर्चुनिटी लॉस, अपॉर्चुनिटी अभी अकाउंटिंग में भी होता है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह. अभी आई होप मैं आप इको में तो है ये, अकाउंट्स में भी नहीं, कॉस्टिंग में, सॉरी इंटर लेवल पे कॉस्टिंग में सिखाया जाता है अलग से, इकोनॉमिक्स में तो आपने ऑलरेडी सीखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी अगर आपका जा रहा है तो भी आप क्लेम कर सकते हो. सो दिस वॉज अ सिचुएशन ऑफ डिटोरिएशन वाले डैमेजेस. चलो नेक्स्ट वाले, अभी आता है सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट. ये वाला पार्ट किसके बारे में बात करता है, दिस पार्ट टॉक्स अबाउट टू टाइप ऑफ डैमेजेस. प्री फिक्स्ड, नाम में ही छुपा है. पहले मुझे बताइए ये पहले ही डिसाइड किया जाएगा या बाद में डिसाइड करेगा, जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, पहले डिसाइड करना है या बाद में डिसाइड करना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद में डिसाइड करना है कितना डैमेजेस क्लेम करे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पर डिसाइड करना है, जल्दी से टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. नाम में ही छुपा है इसका आंसर, बहुत बढ़िया, पहले ही. तो सबसे पहले आंसर दिया कांचन जी, गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत बढ़िया, आपने सही आंसर दिया, सभी लोग सही आंसर दे रहे. तो नाम में ही छुपा है जी, प्री फिक्स्ड डैमेजेस, यानी कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आपने बोल दिया अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो कितना जोर का झटका लगेगा, बोल दिया. चलो यहां पे देखिएगा, देर आर टू टाइप्स ऑफ डैमेजेस, वन इज लिक्विडेटेड डैमेज एंड अनदर इज पेनल्टी. वन इज ट्रीटेड एज लिक्विडेटेड, अनदर इज पेनल्टी. इंग्लिश लॉ बोलता है कि लिक्विडेटेड एंड पेनल्टी आर डिफरेंट, लेकिन इंडियन लॉ बोलता है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी हैज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन देम. यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, पहले तो मैं आपको नॉर्मल वाला मीनिंग बोलता हूं, उसके बाद में हमें अप्लाई क्या करना है वो अलग से बोलता हूं. नाउ लेट अस फर्स्ट चेक इट आउट द नॉर्मल मीनिंग. सो लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब क्या, जितना नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हुआ है एक्चुअल वाला, उसको पे कर देना, उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस. एंड पेनल्टी मतलब क्या, इट डजंट मैटर कि आपका नुकसान कितना हुआ है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो एक फ्लैट, फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है एंड सामने वाली पार्टी ने तोड़ दिया, इट वॉज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी ऑफ द पार्टी कॉन्ट्रावेंस विद एनी ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट दे विल बी लाइबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000. तो इट वॉज गिवन एज अ फ्लैट अमाउंट, खत्म, टाटा बाय बाय, ₹10,000 दे एंड निकल गया तू, बराबर. एंड यहां पर क्या है, यहां पर क्या है लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, मान लेते वहां पर एक्चुअल में कॉस्ट इनकर हो गया ₹2,000 का, तो फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस का आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2,000. तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस, लेकिन ये था डिक्शनरी वर्ड के हिसाब से. नाउ वी हैव टू चेक इट आउट कि इंडिया में होता क्या है भैया, तो वो देखते हैं. इंडियन लॉ एज पर सेक्शन 74 ये बहुत ही बेहतरीन बात कहता है. ये क्या बोलता है, पार्टीज हैव फिक्स्ड वॉट द डैमेजेस विल बी, द कोर्ट विल नेवर अलाउ मोर बट इट मे अलाउ लेस. कोर्ट विल नेवर अलाउ मोर, इट विल अलाउ लेस. सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, कॉन्ट्रैक्ट अभी टूट गया, ये सारी चीज कोर्ट में ही जाएगी ना डैमेजेस क्लेम करने की. सी व्हाट विल हैपन, अभी आप बोलेंगे सर कोर्ट में जाने की जरूरत है क्या, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये है एक व्यक्ति, ये है दूसरा व्यक्ति, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में एंटर हो गए थे, बाद में किसी व्यक्ति ने, किसी ने भी पार्टी ने उसको तोड़ दिया. मान लेते हैं एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया. अभी ए बोल रहा है ₹10,000 डैमेजेस चाहिए,
बी बोल रहा है काय के 10,000 रे, हाँ चल भाग, 2,000 रुपए के ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा। ए बोल रहा है 10,000 दे, बी बोल रहा है 2,000 रुपए के ऊपर चाहिए तो ले, नहीं तो जा, जो करना है वो कर। तो जो करना है वो कर का मीनिंग क्या आता है, रुक जरा, तो फिर मैं जो करना है ना वही चीज करता हूं। आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट, जज साहब इंसाफ दीजिए, जज साहब कोर्ट का दरवाजा ठकठकाना पड़ेगा, इंसाफ दीजिएगा। तो यहां पे ये बंदा जाएगा जज साहब के पास, इट में भी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला निपटा नहीं तो फिर सिविल स्टेट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं निपटा तो सुप्रीम कोर्ट, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। जैसे कि एग्जाम्पल बोलता हूँ, ध्यान से सुनेगा, एक्स्ट्रा ज्ञान है, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, क्योंकि वैसे भी एक्स्ट्रा ज्ञान है। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर रहेगा लेट से फैमिली सेटलमेंट के लिए, तो वो मामला कौन से कोर्ट में जाता है, कोर्ट के भी प्रकार होते हैं यू नो, वो जाता है फैमिली कोर्ट में। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर रहेगा नॉर्मल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड मॉनिटरी, तो वो जाता है सिविल कोर्ट में जाता है। तो ऐसे अलग अलग किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो अलग अलग किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को डील करने के लिए अलग अलग कोर्ट्स बनाए गए हैं, बराबर। लेकिन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सेम है, मतलब मान लेते हैं एक है फैमिली कोर्ट, एक है सिविल कोर्ट, ठीक है ना, एक है फैमिली कोर्ट, एक है सिविल कोर्ट। तो यहां पे आपका जो भी रिस्पेक्टिव, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट है, तो यहां पे आपने केस फाइल किया, आप हार गए, आपको गुस्सा आया, नहीं 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 अभी मैं ऊपर वाले कोर्ट में जाऊंगा, तो ये ऊपर वाला कोर्ट तो हाई कोर्ट ही रहेगा एंड वो कॉमन रहेगा सभी कोर्ट के लिए, एंड इसके ऊपर भी कोर्ट कॉमन ही रहेगा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, बराबर। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी जज्ड। चलो तो यहां पे देखिएगा, सिंपल सी बात है, ये डैमेजेस क्लेम करना तो ये मतलब ऐसे सिंपल जिंदगी में होता नहीं है, कोर्ट में जाना ही पड़ता है, तब जाके ये सामने वाली पार्टी सुधरती है। हाँ, ऐसे रेयर सिचुएशन में हो सकता है सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी लिखा था उतना अमाउंट दे दिया, बात खत्म हो गया, बात खत्म हो गया, बराबर। चलो आगे बढ़ते, तो यहां पे देखो, इफ पार्टीज हैव फिक्स्ड व्हाट द डैमेजेस विल बी, द कोर्ट विल नेवर अलाउ मोर बट इट मे अलाउ लेस। मान लेते हैं पार्टी ने डिसाइड किया था 1,00,000 रुपए डैमेजेस देना चाहिए एंड एक्चुअल में डैमेजेस हो गए 1,50,000 रुपए, तो यहां पे कोर्ट उस 1,00,000 के ऊपर लेके नहीं जाएगा, वो उसके नीचे ही रोकने की कोशिश करेगा, दिस इज द पावर गिवन विद द कोर्ट। सो यहां पे पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस विच एवर इज लोअर, जैसे कि अभी अभी मैंने बोला 1,00,000 रुपए पेनल्टी फिक्स अमाउंट बोला गया था एंड एक्चुअल में डैमेज कितना हो गया, 1,50,000, 1,50,000 बोला, 2,50,000 नहीं, 1,50,000, 1,50,000। सो विच एवर इज लोअर, तो यहां पे कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट विल ट्राई टू कीप इट एज मिनिमम, सो 1,00,000। ऑल्सो यहां पे डिस्टिंक्शन भी एक बार पढ़ लेना, दिस इज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्सेस पेनल्टी, एक बार मॉड्यूल से पढ़ लेना। चलो तो यहां पे आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद में अभी हमने क्या क्या देखे, तो यहां पे रेमेडीज फॉर ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज मतलब क्या, उपाय, उपचार, रेमेडी मतलब क्या, संजीवनी बूटी, यू नो संजीवनी बूटी, यू डोंट नो संजीवनी बूटी। चलो सो सबसे पहला हमने पॉइंट देखा, डैमेजेस क्लेम करो, दूसरा पार्ट, अभी डैमेजेस का पार्ट हो गया, अभी दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। सर दूसरे पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, देखिएगा, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये जी, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म, 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 चीटिंग किया ना तूने, तलाक है, तलाक है, तलाक है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहला देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, जब कभी भी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो सबसे पहली हरकत जो मन में आती है दैट इज डैमेजेस, बराबर, उसका हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। दूसरी चीज जो जहन में आती है दैट इज इस पार्टी का कभी मुंह जिंदगी में अभी देखना नहीं है, जो भी हमारे बीच में नाता था, रिश्ता था, उसको फिनिश ऑफ कर देते, दैट इज ट्रीटेड एज रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया क्या, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे अभी वो वाला पार्ट देखते, कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन बाय वन पार्टी मे बी ट्रीटेड एज रिसेंडेड बाय द अदर पार्टी इज एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस, वो पावर हमने ऊपर वाले पार्ट में देख लिया।
इसका मतलब क्या है, एक भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, एक भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, यानी कि दूसरी पार्टी क्या बोलेगी, भाई कॉन्ट्रैक्ट तो टूट गया, यानी कि अभी मुझे मेरा काम करने की जरूरत नहीं है। अभी समझ में आया क्या, ये रिसीशन, आई विल ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज द रिसाइंडेड वन। इससे होगा क्या, सामने वाले गधे ने तो तोड़ दिया ना उसका वादा, चलो ठीक है उसने तोड़ दिया, आई विल फिनिश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये आता है कि अभी मुझे मेरा काम करना नहीं पड़ेगा। समझ में आया, यानी कि जो भी पार्ट परफॉर्मेंस है, सिंपल एग्जांपल, आई विल गिव यू मोबाइल फोन, यू गिव मी मनी। अभी आपने बोला कि सर पैसे नहीं है, उसका मतलब क्या होगा अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दिया तो, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिया तो फिर मैं क्या ट्रीट करूंगा, हाउ आई विल रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स क्विकली। यस, बहुत बढ़िया, नो नीड टू गिव मोबाइल फोन, यानी कि आई डोंट नीड टू परफॉर्म माय पार्ट परफॉर्मेंस। मैं हिंदी वाले एग्जांपल भी देता हूं, बाद में हमेशा उसका प्रोविजन रिपीट करता हूं, तो हमेशा ध्यान रखना जिस टाइम पे प्रोविजन अंग्रेजी में रिपीट कर रहा हूं, आप अपने कानों को, आंखों को, सारे सेंसेस को अलर्ट कंडीशन में रखना, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, बार बार लगातार रिपीट करके प्रोविजन को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ एग्जाम्पल के ऊपर फोकस मत करो, क्योंकि जिंदगी में एग्जाम्पल याद आए तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जिंदगी में क्या होना चाहिए, प्रोविजन याद आनी चाहिए। सो वेन एवर सामने वाली पार्टी इज गोइंग टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रेच द कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी हु हैज सफर्ड, द पार्टी ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रेच, ही विल ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज द रिसाइंडेड वन, दैट इज वाई ही डोंट नीड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ओब्लिगेशन। सिंपल है। चलो ये था, हमने दोनों चीजें देखी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल ट्रीट कर, दूसरी चीज कंपेंसेशन या फिर डैमेजेस ले ले। लेकिन अभी भी इफेक्ट खत्म नहीं हुआ, अभी भी इफेक्ट शुरू है। चलो तीसरा पॉइंट, डैमेजेस तो क्लेम कर ले, लेकिन जितना काम किया था उसका प्रोपोर्शनेट पैसा भी तो ले ले, रीजनेबल या फिर प्रपोर्शनेट, दैट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज द क्वांटम मेरिट, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। इसका मतलब क्या है, दिस इज क्वांटम मेरिट, इसका मतलब क्या है, प्रपोर्शनेटली। सर एग्जाम्पल दीजिए, चलो एग्जाम्पल देता हूं, 3 महीने की बैच थी लॉ की, कितनी, 3 महीने की बैच थी लॉ की, 10,000 रुपए फी थी, कितनी बच्चों, 10,000 रुपए फी थी, 3 महीने का पीरियड था, एंड यहां पे पेनल्टी मैंने लिखा था कि अगर आप पे नहीं करोगे देन यू विल बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑफ ₹1,000 अलोंग विद द फीस, मतलब ये बात में कोर्ट में जाके मैं आपसे वसूल करता, एंड इफ आई ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट देन आई विल ऑल्सो बी लायबल फॉर डैमेजेस ऑफ ₹1,000। ये डैमेजेस के बारे में हो गया। अभी मान लीजिएगा 3 महीने का बैच था, मैंने 60 डेज सिखाया, 3 महीने का बैच, चलो एक सिंपल एग्जांपल करते इसको, 9,000 लिखते, बैच की अमाउंट कितनी थी, फीस कितनी दे रहे मेरी, 9,000, मैंने 60 डेज आपको सिखाया, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, एकदम अच्छे से दिमाग लगा के आंसर देना। मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस रख रहा हूं, मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस रख रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति होगा, मी और स्टूडेंट जो भरेगा डैमेजेस एंड वो डैमेजेस की अमाउंट भी आपको बोलना है, तो कौन व्यक्ति भरेगा डैमेजेस एंड वो अमाउंट कितनी होगी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैंने आपको 60 डेज सिखाया है तो विल आई रिसीव एनी प्रपोर्शनेट कंपनसेशन नहीं बोलूंगा, प्रपोर्शनेट ये क्या था, फीस, प्रपोर्शनेट इनकम यानी कि रीजनेबल इनकम, तो यहां पे वो प्रपोर्शनेट चीज क्या मुझे मिलेगी क्या एंड कितनी मिलेगी, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सो दैट आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कितना अमाउंट मिलेगा एंड कितने डैमेजेस पे होंगे, जल्दी से बताइएगा।
चलो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है सही, मार्क माय वर्ड्स अच्छी तरीके से. आई विल बी लायबल टू पे द डैमेजेस ऑफ रुपीज 1000 टू स्टूडेंट. डैमेज कितना रहेगा? 1000. एंड स्टूडेंट से फॉर एग्जाम्पल 9 के 9000 ऑलरेडी फी अगर आई है, 9 के 9000 ऑलरेडी फी आई है, देन आई विल रिफंड हिम रुपीज 3000. लेकिन स्टूडेंट से भी एक रुपया आया नहीं था, मान लेते हैं स्टूडेंट से एक भी रुपया आया नहीं था, बाद में देने वाला था, तो स्टूडेंट से मुझे कितना रिसीवेबल बन जाएगा? 6000. फीज का पोर्शन 6000 जो मुझे आना है, एंड डैमेजेस का प्रोपोर्शन 1000 जो मुझसे जाना है. इज इट क्लियर? चलो आगे. सो देखते हैं ये तीसरा वाला वर्ड, दैट इज क्वांटम मेरिट. ध्यान से सुनना, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन. सो क्वांटम मेरिट, एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व, जितना काम किया है उतना पैसा तो मिलना चाहिए. वेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, वेन, ये देखो कौन कौन सी सिचुएशन में ये क्वांटम मेरिट अराइज हो सकता है. वेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, वेन समथिंग इज डन विथ नो इंटेंशन टू डू सो ग्रेचुटियसली, देर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट देर इज नो एग्रीमेंट एज टू द रेम्यूनरेशन. ये सारी सिचुएशन, सो जस्ट अप्लाई द कॉमन सेंस. इसमें से चार सिचुएशन आपको एग्जाम में लिख के मिनिमम आना पड़ेगा. वेन वन पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड पार्टी हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है अपना टीचर एंड स्टूडेंट का. वेन एन इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लमसम इज कंप्लीटली परफॉर्म्ड बट द पर्सन हु हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द लमसम बट द अदर पार्टी कैन मेक द डिडक्शन फॉर बैड वर्क. सो पूरा काम किया था लेकिन उसमें से कुछ प्रोपोर्शनेट काम सही तरीके से नहीं किया था, उतना काम क्या कीजिएगा? डिलीट कीजिएगा, रिड्यूस कीजिएगा एंड बाकी का पूरा पूरा पैसा दीजिएगा. सो सिंपल लैंग्वेज में जो अगर इसके ऊपर केस स्टडी बनता है, आपको सिर्फ दिमाग में कॉमन सेंस रखना है, सिर्फ आपको यही चीज़ अप्लाई करनी है कि भाई जितना अच्छे से काम किया है, जितना गुड वर्क किया है, उतना तो कंपनसेट करना पड़ेगा. अगर पूरा काम ही गंदा कर दिया तो फिर क्या होगा? एक भी रुपये देने की जरूरत नहीं है. समझ में आए? आई होप दिस इज क्लियर. चलो तो ये था तीसरा वाला पॉइंट, दैट इज क्वांटम मेरिट, दैट इज क्वांटम मेरिट. अभी जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, दैट इज द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. सो देखो जी, जिंदगी में क्या होता है पता है क्या? कभी 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 जिंदगी में होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रेच करने के टाइम पे डैमेजेस तो मिल रहे हैं, क्वांटम मेरिट का कंपेंसेशन भी तो एक्सचेंज हो रहा है, रिसीजन भी हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी तो हो रहा है, लेकिन यार यू आर इन सच अ कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन कि आपको वो सामने वाली पार्टी का परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, मैंने रिविजन बैच अनाउंस किया जस्ट बिफोर वन मंथ, आपने किसी दूसरे टीचर के यहाँ पे गए नहीं, आप मेरे पास ही भरोसा रख के आए, एंड आयन मौके पे मैंने टांग दे दी आपको. मैंने बोला टाटा बाय बाय, नाउ आई एम गोइंग फॉर हॉलीडेज, यू नो अभी क्या केसरी टूर्स, गोवा जा रहा हूँ. हाँ चलो गोवा जा रहा हूँ मैं घूमने के लिए, आई एम गोइंग टू गो, वाओ एंजॉय, यू नो. तो यहाँ पे क्या होगा, अभी आप कुछ ऐसे पोजीशन में आ चुके हो जहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शंस बचा नहीं है मेरे अलावा. तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू कैन गो टू कोर्ट एंड यू कैन आस्क द जज साहब, हे जज साहब हमको सर्वेश सर के सिवा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, प्लीज कृपा करके उनको बताइए ना सिखाने के लिए, प्लीज. तो यहां पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, व्हेन डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट. सिर्फ 1000 रुपये सर्वेश सर ने डैमेजेस दे दिए, अरे सर उससे नहीं होगा काम, उससे काम नहीं होगा, हमको तो क्या चाहिए यार, हमको तो वो टीचिंग वाला पार्ट चाहिए था ना, वो डैमेजेस के लिए थोड़ी ना हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था. अभी एग्जाम एन मौके पे है एंड दूसरा कोई फैकल्टी मिल नहीं रहा, सर प्लीज उनको बताइए सिखाने के लिए, प्लीज उनको ऑर्डर कीजिए सिखाने का. व्हेन डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी इन केस ऑफ ब्रेच कोर्ट में, तो यहां पे आते हैं दो ऑप्शंस. तो ये किसकी मर्जी होगी, आपकी, मेरी या किसकी? जज साहब विल डिसाइड, आइदर ऐसा ऑर्डर पास करेंगे या फिर ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेंगे. मतलब जज साहब मेरे ऊपर एक ऑर्डर बोल सकते, सर्वेश गो एंड टीच द स्टूडेंट्स,
आइदर दिस ऑर्डर ऑल, और फिर क्या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये जो सामने वाले स्टूडेंट ने जो रिक्वेस्ट किया उसको कचरे के डिब्बे में डाल देंगे। नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा सर्वेश सर का, हम गोवा हॉलीडेज डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिएगा, ये वर्ड बहुत बार आता है जिंदगी में, डिस्क्रिशन। अरे किधर गया, हाँ ये देखो डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब क्या, मेरी मर्जी। किसकी मर्जी, कोर्ट एट इट्स डिस्क्रिशन, मतलब जज साहब की मर्जी के हिसाब से। सो यहां पे हु इज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू डिसाइड, कौन है बोलो, आप या मैं है क्या, नहीं, यहां पे हु विल डिसाइड, कोर्ट विल डिसाइड। चलो तो यहां पे ये था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एंड अभी लास्ट वाली चीज, दैट इज इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है किसी को बोलना ये काम कर, ये काम कर, डू दिस वर्क। यहां पे देखो, डू, ये काम करना पड़ेगा सर्वेश, तुझे सिखाना पड़ेगा। तो सर फिर इंजंक्शन क्या है, दिस इज नॉट इंजेक्शन, दिस इज इंजंक्शन ऑर्डर, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टे ऑर्डर। तो यहां पे बोला है डोंट, मत करना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बोला परफॉर्म कर, इंजंक्शन में बोला जाता है मत कर जो भी काम कर रहा है वो। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपसे, सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते मतलब आपको सारी चीजें एक ही एग्जाम्पल में लिंक हो जाती है। इंजंक्शन, आपके यहां से, मतलब इतने गंदे बच्चे थे, कुछ आंसर नहीं देते, पढ़ते नहीं थे, फ्रस्ट्रेट हो गया था सर्वेश महेंद्रे, इसलिए चला गया पुणे से मुंबई, टैलेंट से भरा हुआ शहर, द सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, माया नगरी एंड द सिटी ऑफ बॉलीवुड। तो यहां पे, वहां पे जाके सर्वेश ने क्या किया, खुद का और एक सेंटर ओपन किया, एंड वहां पे उसने सेम टाइम पे नई बैच अनाउंस कर दी, एंड बैच में आ गए 2000 स्टूडेंट्स। वाह 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 वाह, फ्री बैच, चलो फ्री बैच अनाउंस किया 2000 स्टूडेंट्स, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट को देख के सर्वेश हो गया दीवाना। अरे वाह 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 वाह, बहुत बड़ा अच्छा मार्केटिंग हो रहा है, चलो यार उनको सिखाते, ये पुणे वाले स्टूडेंट तो पगला गए है, पढ़ते भी नहीं है, बराबर। तो यहां पे हुआ क्या, अभी पुणे वाले स्टूडेंट जिनको, जिनसे मैंने ये 10-10 हजार रुपए लिए थे ना, वो हो गए पागल, हमको नहीं सिखाता, दूसरों को सिखाना जाता है, रुक अभी उसको दिखाते। तो वो कोर्ट के पास गए, एंड उन्होंने कोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन किया कि प्लीज इनकी एक्शन के ऊपर इंजंक्शन लगाना, यानी कि क्या करना, स्टे ऑर्डर लगाना, इनको ये बोलो कि ये चीजें नहीं करे, ये चीजें कंटिन्यू नहीं करे, जो भी हरकत वो कर रहे हैं वो उसको कंटिन्यू नहीं करे। सो दिस इज अ रेमेडी ऑफ इंजंक्शन, दैट इज अ स्टे ऑर्डर, दैट इज डू नॉट, डोंट डू इट। समझ में आया क्या, सो इसको बोलते हैं इंजंक्शन। ध्यान से देखते हैं अभी टेक्निकल लैंग्वेज, टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग और रिस्ट्रेन समबडी, सिंपल है। चलो तो यहां पे देखिएगा, मैं अभी एक ही जगह पे पूरा एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल एंड पांचों चीजें कवर करके देता हूं, मतलब आपको पूरा जितने भी हो सकती है चीजें सारी कवर हो जाएगी। सबसे पहले आपके और मेरे बीच में, मैं टीचर आप स्टूडेंट, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं आपको 3 महीने का बैच सिखाऊंगा, द फीस आर गोइंग टू बी 9000 रुपीज, डैमेजेस फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टी, अगर किसी ने तोड़ा तो 1000 रुपये होंगे डैमेजेस। सबसे अभी देखते हैं, मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, होगा क्या, सबसे पहले आप ट्रीट करोगे इस कॉन्ट्रैक्ट को एज अ रीसाइंडेड वन, यानी कि आप इसको समझोगे अभी आपको आपका पार्ट परफॉर्मेंस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। आपका परफॉर्मेंस क्या था, टू पे द फीस, मेरा परफॉर्मेंस क्या था, सिखाना, करेक्ट है। तो मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अभी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आप क्या करोगे, नाउ यू कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम मी, बिकॉज मैंने तोड़ा ना, 1000 रुपये आप मुझसे ले सकते हो। उसके बाद में अगर मैंने कुछ सिखाया रहेगा, 60 डेज सिखाया रहेगा, सो एज पर द थियरी ऑफ क्वांटम मेरिट, आई लीगली मैं आपसे रिकवर कर सकता हूँ 6000 रुपीज।
प्रोपोर्शनेट जितना भी काम कंप्लीट किया था उतना। उसके बाद में अगर आपको आप ऐसी पोजीशन में हो एंड अगर आपने कोर्ट में जाके बोला कि अगर सर्वेश सर ने नहीं सिखाया तो हमें दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, हमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, एंड अगर कोर्ट ने बोला कि चलो ठीक है दे कैन ऑर्डर मी टू डू स्पेसिफिक टास्क, और दूसरा ऑप्शन क्या है दे विल नॉट ऑर्डर, ऐसे भी हो सकता है आइदर और, इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। एंड लास्ट वाला क्या है इंजंक्शन ऑर्डर, सर्वेश सर पुणे से सिखाने वाला था भाग के चला गया मुंबई एंड मुंबई के बच्चों को सिखा रहे, अरे गुस्सा आया मुझे बींग अ स्टूडेंट, गुस्सा आया मुझे, ऐसे कैसे कर सकता है चीटर चीटर। तो वहां पे कोर्ट में जाके अप्लाई किया एंड कोर्ट ने बोला सर्वेश तू मत सीखा, तू मुंबई के स्टूडेंट को सिखा नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड एज द स्टे ऑर्डर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। बहुत सारे बेहतरीन, ये इससे भी बेहतरीन एग्जाम्पल हमने कॉन्टेंट के लेक्चर में देखे, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम यहाँ पे दिए नहीं जा सकते। क्या पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया क्या, जल्दी से बताइए सो दैट वी कैन मूव अहेड विद द आंसर राइटिंग वाला पार्ट। बहुत बढ़िया, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला पार्ट, वी हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर वाला पार्ट। फटाफट फटाफट आपको आंसर देना है जस्ट लाइक प्रीवियस लेक्चर्स। सो दिस इज योर एक्सेल शीट ऑफ प्लानिंग जहां पे वी हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने। नाउ लेट मी ओपन द क्वेश्चन बैंक। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं विद द क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर रामस्वामी ऑफ चेन्नई प्लेस्ड एन ऑर्डर विद मिस्टर शाह, ओ माय गॉड मिस्टर शाह फ्रॉम पुणे, नो 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 फ्रॉम अहमदाबाद, फॉर सप्लाई ऑफ ये क्या है उरीड, अच्छा ये उड़ीद दाल है, उड़ीद दाल, ऑन 10th नवंबर एट अ कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ रुपीज 40 पर केजी, द ऑर्डर वॉज द सप्लाई ऑफ 10 टाइम्स विद इन अ मंथ्स टाइम ऑन बिफोर 9th डिसंबर, लेकिन हुआ क्या ऑन 4th डिसंबर मिस्टर शाह रोट अ लेटर टू मिस्टर रामस्वामी स्टेटिंग दैट द प्राइस ऑफ उड़ीद दाल वॉज द स्काई रॉकेटिंग, ओ माई गॉड, टू रुपीज 50 पर के जी एंड ही वुड नॉट बी एबल टू सप्लाई एज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, द प्राइस ऑफ द उड़ीद दाल रोज टू 53 ऑन 9th डिसंबर, एडवाइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होगा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर कंटिन्यू हो रहा है तो फिर एग्जैक्टली वो उसको कुछ डैमेजेस वगैरह देना पड़ेगा क्या, या फिर सामने वाली पार्टी को एडिशनल पैसा भरना पड़ेगा क्या, सो व्हाट डू यू थिंक गाइज, थोड़ा सा सोचिएगा, आई विल गिव यू सम टाइम, आई विल गिव यू 20 seconds टू थिंक ओवर इट एंड राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स क्विकली, चलो सोचिएगा। सो दिस इज अ केस ऑफ क्लियर केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रेच, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, मैंने शुरुआत में ही लेक्चर में बोला था, शुरुआत में सबसे पहले आपके पास एंटीसिपेटरी ब्रेच में टू ऑप्शंस आर देयर विद यू, सबसे पहले इमीजिएटली रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज आपको समझ में आ गया था कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसका प्राइस चेंज हो रहा है,
सो रीसाइन द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएट बेसिस, या फिर ऑप्शन नंबर टू वेट, कुछ समय रुकिएगा, वेट मतलब कौन से दिन तक, ड्यू डेट तक रुकिएगा, ड्यू डेट तक रुकिएगा। एंड ड्यू डेट पे क्या कीजिएगा, ड्यू डेट पे अगर उसने परफॉर्म किया तो फिर अच्छा है, अगर उसने परफॉर्म नहीं किया सेम कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस पे देन यू कैन रीसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, देन यू कैन रीसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस एज पर सेक्शन 39, दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। सो दिस वॉज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आई थिंक सिमिलर प्रकार का क्वेश्चन होगा। सो ऑन योर स्क्रीन ध्यान से देखिएगा, कंपेंसेशन फॉर ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पीएम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट विद गुप्ता ट्रेडर्स टू मेक डिलीवर सर्टन मशीनरी बाय टू देम बाय 30th June फॉर रुपीज 21.50 lakh। ड्यू टू लेबर स्ट्राइक पीएम लिमिटेड कुड नॉट मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर द मशीनरी टू गुप्ता ट्रेडर्स, लेटर गुप्ता ट्रेडर्स प्रोड्यूस द मशीनरी फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर फॉर 22.75 lakhs। गुप्ता ट्रेडर वॉज ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट विच इट हैड मेड विथ जेनिथ ट्रेडर्स एट द टाइम ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट विथ पीएम लिमिटेड एंड वेर कंपेल्ड टू पे द कंपेंसेशन फॉर द ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन विच गुप्ता ट्रेडर्स कैन क्लेम फ्रॉम पीएम लिमिटेड रिटर्निंग टू द लीगल प्रोविजन्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बताइएगा आंसर, सोचिएगा एंड बताइएगा। यस, चलिए देखिएगा, वंडरफुल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा, इग्नोरिंग द नेम्स ऑफ द क्वेश्चन, मैं यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या हो रहा है। मान लीजिएगा मिस्टर ए है, इसने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई मुझे मशीनरी दे, भाई मुझे मशीनरी दे देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्स वाई जेड अमाउंट का, चलो मान लेते अभी ये कितने में हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, 21.75 ना, 21.50 लाख में एक आपके साथ, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहां पे अभी क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट स्पेशल नोटिस, दैट इज स्पेशल डैमेजेस। तो यहां पे इस क्वेश्चन के आंसर में आएगा ऑर्डिनरी डैमेजेस, अज्यूमिंग स्पेशल नोटिस वॉज नॉट गिवन। सर क्या बोल रहे हो, समझने की कोशिश करो। मैं मिस्टर ए हूं, मैंने मिस्टर बी को बोला भाई मुझे मशीन दे, एंड ये सेम मशीन मान लीजिएगा इसका मैं आगे जाके किसी को सप्लाई करने वाला था, यानी कि मिस्टर ए मिस्टर बी से ये मशीन उठा के मिस्टर सी को देने वाला था, ऐसे एक अज्यूम कीजिएगा आप। हुआ क्या है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इन्फॉर्म किया था अबाउट स्पेशल थिंग्स, यहां पे उसने इन्फॉर्म किया था अबाउट द स्पेशल थिंग्स। अगर इन्फॉर्म किया है तो क्या होगा, अगर इन्फॉर्म नहीं किया है तो क्या होगा, यहां पे दो सिचुएशन आपकी जिंदगी में आएगी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला 21.50 लाख में मुझे मशीनरी दे दे, अगर ध्यान से सुनेगा मेरे वर्ड्स को अभी,
अगर तूने ये मशीनरी मुझे टाइम में दिया, अगर तूने मुझे ये मशीनरी टाइम में दिया तो फिर मैं इसको आगे सी को बेचने वाला हूँ, एंड अगर तूने ये मशीनरी मुझे टाइम पे नहीं दिया तो फिर मैं सी को बेच नहीं पाऊंगा, जो मैंने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मेरी बैंड बजाएगा, वो मेरी बैंड बजाएगा। यानी कि यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को स्पेशल नोटिस दे दिया, करेक्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बी ने डिलीवर नहीं किया देन ए कैन क्लेम ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस कितने आएंगे बच्चों, कितने में उसने ले लिया रे फिर बाद में दूसरे वेंडर से? 22.75। तो बी ने डिलीवर किया नहीं इसलिए मिस्टर ए को सेम मशीनरी 22.75 लाख में थर्ड वेंडर से लेना पड़ा। तो यहां पे 22.75 माइनस 21.50 इज इक्वल टू व्हाट, 1.25 लाख। ये नुकसान ट्रीट करना है ऑर्डिनरी डैमेजेस, एज वेल एज अगर कुछ स्पेशल डैमेजेस हुए, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसके और किसके साथ हुआ था, ए एंड सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके जो डैमेजेस क्लेम हो रहे जो मिस्टर ए को भरने पड़े, ये भी ये किससे वसूल कर सकता है, बी से वसूल कर सकता है। ये जिंदगी में सारी चीजें कब होगी, जब उसने ये बताया था कि भाई तू मुझे अगर मशीन देगा नहीं तो फिर मैं इसको आगे दे नहीं पाऊंगा, एंड इसको मैंने अगर आगे दिया नहीं तो ये मेरे ऊपर डैमेजेस ले लेगा। ये सारी दुनिया भर की चीजें ये यहाँ पे बी को बताई गई थी। अगर ये अजम्पशन किया तो ऑर्डिनरी डैमेजेस एज वेल एज स्पेशल डैमेजेस, करेक्ट है। सर अगर ये बताया नहीं है तो फिर क्या होगा, देन ओनली ऑर्डिनरी डैमेजेस। यानी कि कितना आ जाएगा, 1.25 लाख, करेक्ट है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल द सीनारियो, आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो यहां पे जस्ट कीप इन माइंड यू हैव टू मेक एजम्पशन। आपको आंसर लिखने के टाइम पे एग्जाम में जब क्वेश्चन में एम्बिग्विटी होता है आपको एक एजम्पशन लिखना पड़ता है कि हमने ये अज्यूम किया है कि स्पेशल नोटिस वॉज गिवन, तो फिर आपका आंसर आएगा ये वाला पार्ट। एंड अगर आप करते हो कि हमने अज्यूम किया है कि स्पेशल नोटिस इज नॉट गिवन, देन पार्ट टू। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए अपॉइंटेड बी टू अकंपनी हिम ऑन अ टूर फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम 1st July एट अ सर्टन सैलरी। बिफोर 1st July ए सेड टू बी दैट बी वॉज नो मोर रिक्वायर्ड बाय हिम। तो यहां पे क्या होगा, कैन बी सू ए। सो यहां पे क्या हुआ है, आपके बातों ही बातों में, आपके इशारों ही इशारों में सामने वाली पार्टी समझ के ले ली कि दिस इज द एंटीसिपेटरी ब्रेच का केस। तो ये आपके पास वंस अगेन कितने ऑप्शंस बचते हैं, वंस अगेन आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, आइदर टू इमीडिएटली रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट या फिर वेट टिल द ड्यू डेट। क्या है ड्यू डेट, 1 जुलाई, एंड उस दिन अगर वो सामने वाली व्यक्ति आपको लेके गई घुमाने के लिए तो फिर परफॉर्म, एंड अगर उसने परफॉर्म करने के लिए लेके नहीं गया देन यू कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस। चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। उसके बाद में कौन सा देखना है हमें, चलो जी क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट, अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। पहले 3 क्वेश्चन मैंने स्लो लिए, उसका क्यों लिए थे, क्योंकि आपको सारी चीजें फिर से एक बार समझ में आए। अभी ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलो देखते हैं। सूरज सोल्ड हिज कार टू सोहन फॉर ₹75,000। आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन सोहन पेड ₹25,000 एंड टुक पोजेशन ऑफ द कार एंड प्रॉमिस टू पे द बैलेंस अमाउंट विद इन अ मंथ। लेटर ऑन सोहन रिफ्यूजेस टू गिव द बैलेंस अमाउंट ऑन द ग्राउंड दैट द कार वॉज नॉट इन गुड कंडीशन। एडवाइस टू वॉट रेमेडी इज अवेलेबल टू हिम अगेंस्ट मिस्टर सोहन। चलो बोल देना क्या होगा।
चलो तो इसका आंसर क्या है, सबसे पहले ये सुनो, यहाँ पे देर वो इट वॉज क्लियरली गिवन कि ये सामने वाले व्यक्ति ने गुड्स को इंस्पेक्ट किया था, बराबर सही तरीके से इंस्पेक्ट किया था, उसके बाद में एक्सेप्ट किया, प्लस द रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर, ये भी बोलता है कि आपने खुद होके गुड्स चेक वगैरह करने चाहिए, तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली ये सामने वाली पार्टी उसका कितना अमाउंट पेंडिंग है, 75 - 25 ना, 50,000 क्लेम कर सकती है प्लस डैमेजेस, प्लस डैमेजेस सर, डैमेजेस क्यों, क्योंकि भाई आपने उसका टाइम खराब किया ना सर, टाइम समझता है क्या ये, अगर 50,000 रुपये अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते देन यू वुड हैव रिसीव्ड सम इंटरेस्ट आउट ऑफ इट, यानी कि मैंने बोला था ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, दैट इज द इंटरेस्ट पोर्शन, दैट इज द इंटरेस्ट पोर्शन, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट, वाह 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 पेन को अभी खराब होना था, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस इज द डैमेजेस विच यू कैन कवर रिकवर, सो 50,000 रिकवर कर सकते हैं एज वेल एज डैमेजेस। चलो जी अगले वाले डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कौन सा वाला पार्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, क्वांटम मेरिट, ए वॉज अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ, व्हाट इज एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट द अपॉइंटमेंट वॉज वॉइड, अपॉइंटमेंट वॉज वॉइड बिकॉज द डायरेक्टर अपॉइंटेड हिम वेर नॉट इलिजिबल, कैन ए क्लेम सैलरी फॉर द टाइम ही वर्कड, ध्यान से पढ़िएगा एंड इसका आंसर दीजिएगा, वॉट डू यू थिंक, जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है जल्दी से आंसर बताना, सो यहां पे द आंसर इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ही वॉज अपॉइंटेड एज एमडी, ही ऑल्सो वर्कड एज एमडी बट आफ्टरवर्ड्स इट वॉज लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट हिज अपॉइंटमेंट वॉज वॉइड, भले ही अपॉइंटमेंट वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट आगे एनफोर्स नहीं होगा लेकिन जितना काम किया उतना तो पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं थी, ये किसकी गलती थी, द पर्सन हु अपॉइंटेड हिम, ये उसकी गलती थी, सो उसको सैलरी मिलना चाहिए एज पर द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल 100 केजी ऑफ शुगर टू वाई एट रुपीज 15 केजी ऑन सर्टन डेट, इन एंटिसिपेशन एक्स कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेस्ड फ्रॉम जेड द सेम क्वालिटी एट रुपीज 8 पर केजी, जेड डज नॉट डिलीवर द शुगर टू एक्स, एक्स सफर्स अ लॉस ऑफ रुपीज 7 पर केजी, कैन ही रिकवर द लॉस फ्रॉम मिस्टर जेड, तो बताइएगा क्या होगा, तो यहां पे देखिएगा स्क्रीन पे लिख के दिया है, एक्स ने वाई को 15 में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, इसीलिए इसको सेल का ऑर्डर मिला, इसलिए एक्स ने जेड से बाय करने के लिए बोला एट रुपीज 8 पर केजी, नाउ व्हाट विल हैपन इफ जेड डज नॉट सप्लाई, बर एक सेकंड, कैन ही रिकवर लॉस फ्रॉम जेड, चलो तो यहां पे कंसीडरिंग एक्स हैज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ स्पेशल नोटिस टू मिस्टर जेड, एक्स ने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था मिस्टर जेड को, ऐसे अगर कंसीडर करते देन ही कैन क्लेम ओनली ऑर्डिनरी डैमेजेस, अगर हम अज्यूम करते कि एक्स ने बताया था जेड को कि भाई अगर तूने मुझे गुड्स नहीं बेचे तो फिर मेरा अगला वाला नुकसान हो जाएगा, सामने वाली पार्टी भी मुझसे डैमेजेस क्लेम करेगी, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डैमेजेस एज वेल एज स्पेशल डैमेजेस दोनों भी क्लेम होंगे। यस बहुत बढ़िया,
सो आपको एजम्पशन भी लिखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू सप्लाई 500 टन्स ऑफ आयरन स्टील एट 5000 पर टन टू बी डिलीवर्ड एट अ पर्टिक्युलर स्पेसिफाइड टाइम। देयर आफ्टर ए कॉन्ट्रैक्ट विद सी फॉर द परचेज ऑफ 500 टन आयरन स्टील एट 4800 पर टन एंड एट द सेम टाइम टोल्ड सी दैट ही डीड सो फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग इट्स कॉन्ट्रैक्ट। वाओ, क्वेश्चन में दिया है बच्चों, स्पेशल नोटिस वॉज गिवन। अगर स्पेशल नोटिस वॉज गिवन तो आपके दिमाग में दो डैमेजेस आने चाहिए, एक ऑर्डिनरी दूसरा स्पेशल। सी फेल टू परफॉर्म द, ए आगे वाली स्टोरी तो पता है, तब जाके तो आंसर बनेगा ना। तो इसने फेल किया होगा बट ऑब्वियसली। ए कुड नॉट प्रोक्योर एनी आयरन स्टील एंड बी रिसेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। वॉट वुड बी द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विथ ए विच ए कुड क्लेम फ्रॉम सी इन दोज सिचुएशन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सा आंसर होगा 5000 पर टन माइनस 4800 पर टन, यानी कि 200 पर टन इंटू 500 पर टन। दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी डैमेजेस। एंड यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल डैमेजेस भी रिकवर हो जाएंगे। चलो तो यहां पे ऑर्डिनरी डैमेजेस एज वेल एज स्पेशल डैमेजेस दोनों भी रिकवर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 36, इट इज सिमिलर टू वन ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन द मॉड्यूल। हम मॉड्यूल के क्वेश्चन करने के टाइम पे उसको सॉल्व करेंगे। लेट अस मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 37 ऑन योर स्क्रीन। एम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स विद शांति ट्रेडर्स टू मेक एंड डिलीवर सर्टन मशीनरी टू देम बाय 30th जून फॉर ₹11.50। ड्यू टू लेबर स्ट्राइक एम लिमिटेड कुड नॉट मैन्युफैक्चर, आई थिंक ये सेम है कह रहे, डिलीवर द मशीन टू द शांति ट्रेडर्स। लेटर शांति ट्रेडर्स प्रोकर्ड द मशीनरी फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर फॉर ₹12.75 lakhs। शांति ट्रेडर्स वॉज ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच इट हैड विद जेन ए आई। अरे सेम टू सेम है ना, सेम रिपीट हो गया है। इसका आंसर अभी क्या आ जाएगा, ये 1.25 lakhs एज वेल एज अगर अज्यूम करते हैं स्पेशल डैमेजेस, तो स्पेशल डैमेजेस अगर अज्यूम करते हैं स्पेशल नोटिस वॉज नॉट गिवन देन ओनली ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी कितना आएगा दोनों भी सिचुएशन में, 1.25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 38। टाइप्स ऑफ डैमेजेस, अ शॉपकीपर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ होलसेलर ऑफ फायरवर्क्स फॉर द सप्लाई ऑफ क्रैकर्स ऑफ वर्थ ₹50,000 ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली फेस्टिवल। सो यहाँ पे क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है टाइम इज अ एसेंशियल एलिमेंट। सो यहाँ पे टाइम मतलब वो डिटोरिएशन या फिर टाइम कोई तो आ जाएगा एक चीज। ए ऑल्सो मेक्स नोन टू द होलसेलर दैट इफ ही फेल्स टू सप्लाई द क्रैकर्स विद इन रीजनेबल टाइम ही इज एक्सपेक्टेड टू सफर अ लॉस। तो यहाँ पे उसने पहले ही सारी चीजें बोल दी है, भाई टाइम पे डिलीवर कर, दिवाली का सीजन गया तो फिर फटाके किस में, मतलब खुद के घर में जाके जलाऊ। तो यहाँ पे मतलब बोला होता नहीं बोला होता इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही है दिवाली सेल का। प्रोडक्ट इटसेल्फ सजेस्ट कि यहाँ पे आपको टाइम बाउंड मैनर में डिलीवर करना ही पड़ेगा। ए सप्लाइज क्रैकर्स ऑन द सेम डे ऑफ द फेस्टिवल। अरे यार फेस्टिवल के दिन कौन लेता है, धमाके करने हैं दिवाली के दिन, धमाके करने हैं। लेकिन धमाके करने का इक्विपमेंट तो पहले बाय करना पड़ता है ना, मतलब जिस दिन आपकी शादी होती है उस दिन वो दूल्हा एंड दुल्हन शॉपिंग करने जाते हैं क्या? शॉपिंग कब की जाती है बच्चों, बोलना, तेरी शादी हुई है क्या, तू ऐसे देख रहा है मेरे को? तो दूल्हा दुल्हन शादी या फिर ये दिवाली का जो भी एग्जाम्पल है, या आपको बाइंग कब करना पड़ता है, बट ऑब्वियसली बिफोर, यानी कि रीजनेबल टाइम ले लीजिएगा एक हफ्ते तो पहले। उस दिन धमाके करके क्या फायदा है यार शॉपिंग करके। चलो सो यहां पे बट ऑब्वियसली डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, प्यूनिटिव डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रेच ऑफ, ये प्यूनिटिव मतलब कौन से, विंडिक्टिव, एग्जाम्पलरी, खुन्नस, पोपटलाल का एग्जाम्पल,
पोपटलाल को कितने लोग मतलब बोलते शादी करेंगे शादी करेंगे बाद में नहीं करते. इन केस ऑफ ब्रेच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी द डैमेजेस आर अवॉर्डेड अंडर व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ डैमेजेस एंड व्हाट विल बी टेकन इनटू अकाउंट टू गिव डैमेजेस. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस. एंड मुझे बताइए यहाँ पे अमाउंट फिक्स किया जा सकता है क्या? आंसर इज नो. हु विल डिसाइड द अमाउंट? बट ऑब्वियसली कोर्ट विल डिसाइड. बट ऑब्वियसली कोर्ट विल डिसाइड. चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन बैंक, दैट इज डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिसकम्फर्ट. मिस्टर आनंद कॉन्ट्रैक्ट्स विद मिस्टर बीरेंद्र दैट इफ ही प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन विद इन कैलकुलेट ही विल पे बीरेंद्र 5000. ये क्या है विद इन कैलकुलेट? कुछ तो यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है. लेटर विद इन कैलकत्ता है, ये कैलकुलेट नहीं है, विद इन कैलकत्ता है. ही विल पे बीरेंद्र रुपीज 5000. लेटर आनंद स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग एज अ सर्जन इन कैलकत्ता, डिस्कस द राइट अवेलेबल. तो यहां पे आंसर क्या आएगा? आई थिंक ये कल के भी लेक्चर में हो गया था ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन. सो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए? अमाउंट एक्सीड करेगा 5000 को या अमाउंट विल नॉट शाल नॉट एक्सीड 5000? हमने सेम टू सेम एग्जाम्पल देखा था, याद है क्या? लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्सेस पेनल्टी. वहां पे हमने क्या देखा था? वो सेक्शन बोलता है कि कोर्ट विल डिसाइड हाउ मच इज गोइंग टू बी द डैमेजेस एंड इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट विच इज रिटन इन अ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा आंसर बताइएगा? हिंट मैंने आपको दे दिया है, जल्दी से बताइएगा. यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुंज, सानिका, द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड रुपीज 5000. द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 5000. वाह वाह, सारी लड़कियां आंसर दे रही है आज, सारी लड़कियां छा गई. बॉयज वेयर आर यू गाइज? क्या आपकी लाइफ भी पोपटलाल जैसे बन चुकी है? अरे यार बॉयज, आप पीछे पड़ गए हो आज. सारी लड़कियां, वुमन एम्पावरमेंट हो गई है, राहुल गांधी जी का सपना पूरा हो गया वुमन एम्पावरमेंट. केजरीवाल जी का भी वही सपना है क्या? अच्छा. अरे यार एक भी बॉय ने आंसर नहीं दिया यार, कोई तो मतलब इनिशिएटिव लो. कहाँ है मेरे बच्चे? इट शोज कि लड़कियां ज्यादा सीरियस होती है पढ़ाई के मामले में. चलो बहुत बढ़िया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन बैंक. नाउ लेट अस मूव अहेड टू द ICAI मॉड्यूल. सो लेट मी क्विकली डाउनलोड द ICAI मॉड्यूल. तो चलिए जी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का जल्दी से. हुआ क्या है ट्रांजैक्शन में? एक्स ने वाई को सप्लाई किया है 1000 वाटर बॉटल एट रुपीज 5 ईच. करने का वादा किया है एट रुपीज 5 ईच. आगे क्या हुआ? इसलिए उसने जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. तो यहां पे दिस इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द ओरिजिनल वन, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट. एंड ये क्या है? बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट. तो यहां पे क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 1000 बॉटल्स एट रुपीज 4.50 ईच, करेक्ट है? यहां तक की तो स्टोरी क्लियर है. आगे क्या हुआ? हु फेल टू परफॉर्म? जेड फेल टू डिलीवर वाटर बॉटल्स टू मिस्टर एक्स, इसलिए आगे क्या हुआ? इसलिए एक्स वॉज ऑल्सो अनेबल टू सप्लाई गुड्स टू मिस्टर वाई. चलो आगे क्या होगा? अब यहां पे कंडीशन नंबर वन दिया है, इफ जेड वॉज इन्फॉर्म्ड कौन सी चीज का? स्पेशल नोटिस कि भाई तू मुझे अगर यहां पे सप्लाई नहीं करेगा तो मैं भी आगे सप्लाई नहीं कर पाऊंगा. तो फिर क्या होगा बताइए? क्या होगा? तो यहां पे 0.50 का नुकसान हो गया पर बॉटल इंटू 1000.
यानी कि 500 रुपीज, करेक्ट। एंड दूसरा सिचुएशन क्या है, जेड वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, तो यहां पे क्या होगा, इफ जेड वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड देन इसका नुकसान कितना हुआ, इसको मार्केट से बाय करना पड़ेगा ना, सो थर्ड पार्टी मार्केट प्राइस कितना है 5.25 पर बॉटल, तो इसने उतने अमाउंट पे बाय किया, यानी कि 5.25 पर बॉटल माइनस रुपीज 5, मतलब उसको एडिशनल कितना भरना पड़ा खुद की जेब से, सो यहाँ पे 0.25 × 1000 यानी कि 250, प्लस उसका हिडन प्रॉफिट कितना गया 4.50 − 5 यानी कि कितना 0.50 × 1000 यानी कि 500, सो टोटल मिला के 750। सो सिचुएशन नंबर वन में नुकसान कितना हुआ, 500 का नुकसान हुआ। ये कौन से डैमेजेस है, ये है ऑर्डिनरी डैमेजेस, ये है ऑर्डिनरी, सॉरी ये है स्पेशल डैमेज प्लस ऑर्डिनरी डैमेज। दूसरा आएगा वो कौन सा आएगा, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा वो वाला अमाउंट, दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। एंड यहां पे क्या होगा, दिस इज टू बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी डैमेजेस बिकॉज यहां पे स्पेशल नोटिस वॉज नॉट गिवन। सो फर्स्ट केस में क्या आएगा, आंसर इज गोइंग टू बी सिंपल लैंग्वेज में 500, एंड दूसरे सिचुएशन में आंसर इज गोइंग टू बी 750। चलो ये था क्वेश्चन कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 3। अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 बाकी है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एंटीसिपेटरी ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, डिस्कस। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको देना है डेफिनेशन ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रेच, सेक्शन 39। एंड दूसरा है लिक्विडेटेड डैमेज इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ कंपनसेशन, सो ये किस, ये डिस्कशन है सेक्शन 74 के बारे में, जहां पे इट इज गिवन कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है एंड पेनल्टी क्या है। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन, दिस वाज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ यूनिट नंबर 5। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर किए बच्चों, याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले 3 यूनिट में हमने कॉन्ट्रैक्ट को बनाया, 4th यूनिट में हमने कॉन्ट्रैक्ट को निभाया, 5th यूनिट में हमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के भी देखा, अभी 6th यूनिट में कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन कुछ अलग अलग किस्म के भी व्यक्ति होते हैं ना जिंदगी में, यानी कि कुछ स्पेशल चीजें, थोड़े बहुत डेफिनेशन वगैरह, एकदम छोटा सा डिस्कशन है, वो देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 6। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।